नेक्स्ट इज ऑन द सेल्फ डेवलपमेंट जीआर की जो स्कीम आया है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इन महाराष्ट्र, उसके बारे में है। उसका नोटिफिकेशन आया था 13 सितंबर 2019 को, एंड इसमें बेनिफिट अवेलेबल है टू अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मतलब फर्स्ट आपका जो सोसाइटी है दैट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एंड सेकेंड अगर आपकी सोसाइटी बिल्डिंग को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं देन यू आर एप्लीकेबल, यू आर एलिजिबल टू यूज द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेल्फ डेवलपमेंट पॉलिसी। बट ये जो जीआर है ये इशू हो चुका है, पर लोकली लोकल अथॉरिटीज के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बाकी है, दैट इज पेंडिंग। एंड लास्ट बिफोर द लॉकडाउन, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हमारा मीटिंग हुआ था, एंड उसमें हमको यही बताया गया था कि इन अ कपल ऑफ मंथ्स ये चीज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में लाई जाएगी एंड सेल्फ डेवलपमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जैसे लॉकडाउन खुले चीजें हमारे लिए पॉजिटिवली आगे मूव हो और ये जीआर इम्प्लीमेंटेशन में आ जाए। इसके क्या पॉइंट्स है, क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो एक है सिंगल विंडो सिस्टम, कि जो सोसाइटीज जा रही है सेल्फ डेवलपमेंट में उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जो भी परमिशन है अंडर वन रूफ अंडर वन सिस्टम उनको मिल जाएगा। प्लस ये जो भी अप्रूवल्स आपको लगेंगे दैट विल बी फास्टर एंड टाइम बाउंड एज पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आपके अप्रूवल्स आपको विद इन 6 months मिल जाएंगे। जो प्रोजेक्ट है आपको प्रोजेक्ट अपना 3 years में कंप्लीट करना है, एंड जो एग्जिस्टिंग एफएसआई है आपका, जो करंट एग्जिस्टिंग एफएसआई है उसमें आपको एडिशनल 10% एफएसआई मिल सकता है। प्लस जो टीडीआर प्रीमियम्स है, एंड टीडीआर के अलावा बहुत सारे प्रीमियम्स होते हैं, स्टेटस प्रीमियम, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी प्रीमियम, टेंडर्स लिफ्ट प्रीमियम, तो ये सारे जो भी प्रीमियम्स है इस पे हमको एक 50% तक का डिस्काउंटिंग मिल सकता है सेल्फ डेवलपमेंट में। ऑल्सो एमसीजीएम विल प्रोवाइड अस इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, कि हमको फर्स्ट इनिशियली बहुत ज्यादा बर्डन में आए प्रोजेक्ट पे फंड्स का, एंड हम वो इंस्टॉलमेंट में एमसीजीएम को बीएमसी को पे करें। रिडक्शन इन एलयूसी टैक्स, जो लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स है उसमें भी रिडक्शन आ सकता है। देन देयर इज स्टैम्प ड्यूटी ऑन पीए, जैसे मैंने कहा आपके जो नए घर के अग्रीमेंट्स बनेंगे परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन अग्रीमेंट्स, तो ये अग्रीमेंट्स पे आपको जो स्टैम्प ड्यूटी इवेल्युएट होता है वो काफी हायर वे में हायर साइड में जाता है। ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लाख रुपए आता है पर फ्लैट ऑन एन एवरेज। ओके, सो नाउ इसके ऊपर उन्होंने कैप लाया है कि जो सेल्फ डेवलपमेंट में जाने वाली सोसाइटीज है उनकी एग्जिस्टिंग मेंबर्स का जब अग्रीमेंट रजिस्टर होगा तो उस पर उनको सिर्फ 1000 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। ऑल्सो जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें हमको 4% रिबेट मिलेगा, तो आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाता है 8.5%। There would be a grievance redressal forum like RERA. आप सब RERA के बारे में जानते होंगे, बट RERA से उनकी सुनता है जिन्होंने एक फ्लैट खरीदा है, मतलब जो न्यू मेंबर्स है जिन्होंने सेल फ्लैट खरीदा है, तो RERA उनके लिए है, इट इज नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए नहीं है वो। तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाने वाली सोसाइटी मेंबर्स जिनको दिक्कतें आ रही है, जिनकी सोसाइटी कुछ नहीं सुन रही, तो उनके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बनेगा जो उनकी क्वेरीज या उनके प्रॉब्लम्स के लिए होगा, तो वहां पे उनके प्रॉब्लम्स के लिए एक्शन लिए जाएंगे। देन ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर, जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसके लिए एक उसका जो अग्रीमेंट होगा दैट वुड बी अ थ्री पार्टी अग्रीमेंट, मतलब 3 पार्टीज होंगी उसमें, आपकी सोसाइटी, द कॉन्ट्रैक्टर एंड द बैंक, जो आपकी फंडिंग बैंक है वो। इस तरीके से आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दिया जाएगा, उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, प्लस जो नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम सही नहीं कर रहा है आपका, तो उसके ऊपर पेनल्टी क्लॉसेस भी होगी एंड दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इट इज फॉर द कॉमन मैन्स बेनिफिट एंड कॉमन मैन का बेनिफिट होना चाहिए उसमें से, एक्चुअली उनको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने आनी चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के, मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट की है, एंड जैसे प्रसन्ना सर ने कहा कि दरेकर जी और सब पूरी जो मुंबई बैंक का ये एफर्ट है कि उन्होंने दे हैव गॉन अहेड कि सेल्फ डेवलपमेंट जीआर लाने के लिए, एज अ पार्ट ऑफ द कोर कमिटी हम भी इसका एक हिस्सा रह चुके हैं और हम बहुत गर्व से ये बताते हैं कि ये जो जीआर आया है इसकी रिकमेंडेशन जो गए है उसके उसका भी हम एक हिस्सा रह चुके हैं।
हमारे आगे आने वाले वेबिनार्स का मैं आपको एक डिटेल देती हूँ, वेरी क्विक रिकैप. सो आज का जो वेबिनार था दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट जीआर, जो हमारा 18 तारीख का मतलब परसों जो है 5 बजे, वो है डिटेल प्रोसीजर्स इन सेल्फ डेवलपमेंट. आपको अगर पूरा प्रोसीजर जानना है सेल्फ डेवलपमेंट का इन डिटेल, बी ट्यून्ड इन ऑन 18 अप्रैल 5 बजे. प्लस उसमें हम आपको बताएंगे कि किस टाइप ऑफ पीएमसीज है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीएमसीज, एंड सोसाइटी को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए पीएमसी सिलेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए. देन है प्लानिंग, 20 अप्रैल को हम लोग बात करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग अप्रूवल्स एंड उसकी इंजीनियरिंग के बारे में. देन 22 तारीख को हम बात करेंगे ब्रिज गैप फंडिंग के बारे में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बैंक लोन तब सैंक्शन करेगी जब आप 1 FSI IOD लेके आओगे, बट वहां तक पहुंचने का जो खर्चा होता है बहुत बार पूरा खर्चा सोसाइटी नहीं उठा पाती, तो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर देम विद रिलेटेड टू ब्रिज गैप फंडिंग. ये भी एक टॉपिक है जो बहुत सारे मतलब वाइडली ये सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि किस तरीके से आप ब्रिज गैप फंडिंग कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, सीड फंडिंग ला सकते हो, प्लस आपको क्या क्या लीगल इम्प्लीकेशंस आएंगे, आपको लीगली किस तरीके से स्ट्रांग होना है, एंड अकाउंटिंग एंड रेरा ये कैसे आपको अप्लाई होगा, इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे. फिर 24 तारीख को इस आर सेल्स एंड मार्केटिंग सेमिनार स्पेसिफिकली फॉर सेल्फ डेवलपमेंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जनरल सेल्स एंड मार्केटिंग सेमिनार नहीं है, सेल्फ डेवलपमेंट सोसाइटीज के लिए है ये, सेल्स एंड मार्केटिंग फॉर द सेलेबल फ्लैट, जिससे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट रिकवर होगा. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड स्टॉल प्रोजेक्ट्स. जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स है उसको आप कैसे कन्वर्ट करके अगेन उसको रीस्टार्ट कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन मेक इट अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये आपको डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल में हम समझाएंगे. तो ये टोटल 6 सेमिनार्स है, जिसका आज का फर्स्ट सेमिनार हमने कंडक्ट किया है अभी. अगेन रिलेटेड, अभी तक रिलेटेड जो भी है आप अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए एंड क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए इसमें.